ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जाय। सो हम दो तीन दिन से चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उनके गुणगान उनके लीलाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव महोत्सव आने जा रहा है, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। तो एक अद्भुत चैतन्य महाप्रभु की एक अद्भुत लीला सुनने का प्रयास करेंगे, जो चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होने से पूर्व हुआ था या पहले हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण बुद्ध के रूप में अवतरित हुए, महाभारत युद्ध होने के उपरांत वो चले गए, लंबे समय तक आए नहीं, लोग अधर्मी बन गए, वेद शास्त्र पुराण के आधार पर हिंसा व्यभिचार अनेक प्रकार के ऐसे पाप कृत्य इवन ब्राह्मणास भी करने लगे, इसलिए भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं। अवतरित होकर शून्यवादी की स्थापना करते हैं, वेद शास्त्र भगवान वगैरह कुछ नहीं है, हिंसा रोक दो, अहिंसा की स्थापना की। लेकिन भगवान वेद अभ्यास जो है ज्ञान वगैरह सब चला गया, तामसिक पुराणों के आधार पर लोग मांस खाना, व्यसन, अनेक प्रकार के व्यभिचार करना, या कई लोग वेदों के आधार पर भगवान से सिर्फ मांग 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 करना, ये दे दो मुझे, वो दे दो मुझे, मेरा ये बिजनेस ठीक चले, ये सब इस तरह से मांग मांग मांग, भगवान की भक्ति के नाम पर सिर्फ मांगना। तो भगवान ने सोचा ये बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है। तो वो स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित होकर इस वेदास को छीन लिया, ला वो वापस वेदास, ये वेदास कुछ काम के नहीं है, इसे मानने की जरूरत नहीं है, भगवान वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। तो उन्होंने वेदास ले लिया और अहिंसा की स्थापना की। फिर बाद में शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य को, मतलब शिवजी को भेज दिया, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, भेज दिए और धीरे धीरे वेदों की स्थापना की। वेदों की स्थापना के साथ साथ भगवान को भी मानने की, मतलब लोगों को मानना चाहिए भगवान है, अगर किस रूप में, निराकार रूप में, ब्रह्म रूप में। तो ये भी उन्होंने सिखाया कि भगवान, निराकार भगवान जब भी अवतरित होते हैं वो मनुष्य का रूप धारण कर कर आते हैं, ताकि तुम समझे। ये उन्होंने नहीं सिखाया कि भगवान का ये असली रूप है, ओरिजिनल फॉर्म है, ये नहीं सिखाया। लेकिन निराकार भगवान
हमें समझाने के लिए हमारे मनुष्य रूप में आकर मनुष्यों को समझाते हैं इस तरह से। हालांकि वो जानते थे कि भगवान जो है ऑफकोर्स ही इज अ शिव, शिवजी है वो, भगवान का साकार रूप है ये जानते हैं, लेकिन ब्रह्म की मतलब भगवान की जो निराकार रूप जो है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ज्योति, उनके शरीर में से निकलने वाला तेज जो है, इस तरह से फिर स्थापना की उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं धीरे धीरे एक एक आचार्यों को भेजूंगा। तो शिवजी मतलब शंकराचार्य के बाद फिर मध्वाचार्य आए जो ब्रह्म संप्रदाय के है, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें पहला ज्ञान जो ब्रह्मा जी को दिया था उस संप्रदाय में मध्वाचार्य। इस कलयुग में जो आचार्य है, कलयुग में मैं एक एक आचार्यों को भेजूंगा ऐसे शंकराचार्य, शिवजी शंकराचार्य के रूप में आकर वेदों की स्थापना की, निराकार की स्थापना की। मतलब भगवान है, भले वो निराकार में लेकिन भगवान है, भगवान की इंट्रोडक्शन जो है, भगवान इसका इंट्रोडक्शन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति ब्रह्मा। फिर बाद में मध्वाचार्य आए, मध्वाचार्य ने प्योरली मायावादी को डिफीट किया, निराकारवादी को डिफीट किया। मध्वाचार्य के बाद रामानुजाचार्य के बाद विष्णु स्वामी के बाद निंबार्क आचार्य। अभी मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से आते हैं, रामानुजाचार्य वो श्री संप्रदाय से आते हैं, विष्णु स्वामी जो है वो रुद्र संप्रदाय से आते हैं। ये सारे लीडर्स है, कलयुग के लीडर्स आचार्य, और निंबार्क आचार्य कुमार संप्रदाय से आते। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु सब जब प्रकट हुए, उन्होंने फिर अचिंत भेदा भेद तत्व की स्थापना की, दैट विल सी। बट चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने से पहले रुद्र द्वीप में ये चारों आचार्यों को बुलाए, कलयुग के जो लीडर्स है, कलयुग में जो चारों संप्रदाय के जो लीडर्स है कलयुग में, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निंबार्क आचार्य, सबको बुलाए और पर्सनल इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम जाके ये स्थापना करो, तुम जाके वो स्थापना करो और आप ये स्थापना करो। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पूर्व इन सभी आचार्य, चारों आचार्यों को बुलाए और उनको क्या क्या तुम्हें स्थापना करनी चाहिए सिस्टमैटिकली, दैट विल सी, क्या क्या स्थापना करनी चाहिए ये सिस्टमैटिकली उन्होंने किया। और प्रत्येक आचार्य चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार वो प्रकट हुए, प्रकट होकर वो सिद्धांतों की स्थापना की, अपने अपने मिशन को उत्कृष्ट रूप से उन्होंने प्रचार किया। ऑफ कोर्स ये मिशन जो है ये चैतन्य महाप्रभु के ही है, नो डाउट। भले उनका कालावादी डिफरेंस है, पहले रामानुजाचार्य, फिर सॉरी मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निंबार्क, ये काल के अनुसार अलग अलग समय प्रकट हुए जरूर, लेकिन साथ में एक ही बार उन्हें बुलाया था और उन्हें ये आदेश दिया ये तुम्हें स्थापना करनी है, डोंट एक्सीड, मैं जो कह रहा हूं वैसा ही करो। इस तरह से आचार्यों ने स्थापना की। फिर बाद में निंबार्क आचार्य को रुद्रद्वीप में बुलाकर कहते हैं
कि मैं चारों संप्रदाय से स्पेशल चीजें जो है उसको अपनाऊंगा। ऐसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु निम्बार्क आचार्य को कह रहे, दो दो स्पेशल क्वालिटीज जो है उस मिशन में उसको मैं अपनाऊंगा और अचिंत भेदा भेद तत्व की स्थापना करूंगा। अचिंत मतलब वराइटीज, भेद अभेद मतलब भगवान भेद भी है और अभेद भी है। भगवान के साथ हमारी एकता भी है और नहीं भी है, इसे अचिंत भेदा भेद कहा जाता है। भगवान में और हम में क्या है एकता, भगवान में जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज हम में है, समझ गया ना? एकता अभेद। और भेद क्या है, भगवान विभू है और हम अणु है, ये भेद है। क्वालिटीज गुण जो है वो गुण हम में भी है, जो भगवान में है वो हम में है, इस नाते से एकता है। जिसको अभेद कहा गया है। और भेद क्या है, एकता नहीं भी है। कैसे, भगवान विभू है, महान है, बड़े है, और हम अणु है, एकदम छोटे, जैसे समंदर और समंदर का बूंद। तो इसे भेदा भेद तत्व उन्होंने स्थापित की और ये कहा कि मैं ये स्थापित करूंगा और फिर तुम सभी चारों संप्रदाय से दो दो श्रेष्ठ गुण जो है उसको मैं अपनाऊंगा। तो मध्वाचार्य से या ब्रह्म संप्रदाय से, मध्वाचार्य से उन्होंने दो गुण, अनेक प्रिंसिपल्स, अनेक तत्वों में से दो तत्वों को अपनाया। क्या, सबसे प्रथम मतलब मायावादी का खंडन करना, डिफीटिंग मायावादी फिलोसॉफी, मायावादी का खंडन करना और फिर भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना। तो फॉर्म का इंट्रोड्यूस हुआ, भगवान ऐसे दिखते हैं। शंकराचार्य निराकारवादी की स्थापना की थी, भगवान को रूप भी नहीं है, ब्रह्म है। लेकिन मध्वाचार्य आके स्थापित किए, मायावादी को डिफीट किए, खंडन किए उनके तत्वों को और फिर उन्होंने स्थापित किए क्या, भगवान के अर्च विग्रह। इसकी आराधना दो तत्व उन्होंने लिया, एक है मायावादी का खंडन करना, मतलब मायावादी को भगवान निराकार नहीं है, साकार है। कैसे है, ऐसे है। सो श्री कृष्ण के स्वरूप का, साक्षात स्वरूप का इंट्रोडक्शन हुआ। कौन से दो तत्व लिया मध्वाचार्यों के पास से उन्होंने, एक मायावादी का खंडन करना और दूसरा वर्शिप ऑफ डीएटीज, भगवान के अर्च विग्रह की आराधना करना, ये दो उन्होंने लिए उनसे। और रामानुजाचार्य से जो श्री सांप्रदाय के है, लीडर है कलयुग में, आचार्य है, तो उन्होंने क्या लिया उनसे, यस, एक है ज्ञान कर्म रहित भक्ति, स वै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षज अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, अहैतुकी अप्रतिहता। ज्ञान कर्म रहित भक्ति, समझ गया ना? और कैसी, ज्ञान कर्म अहैतुकी अप्रतिहता मतलब भौतिक इच्छाओं रहित,
भौतिक इच्छाएं रहित भक्ति और कंटिन्यूअस चल विदाउट ब्रेक अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस, ये एक चीज हुआ। और दूसरा है भक्तों की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, समझ गया ना। श्या महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निशेवनाथ, मतलब भक्तों की सेवा, महत सेवा, दो चीजें उन्होंने ली। भक्ति की स्थापना की, वो कैसी भक्ति, ज्ञान और कर्म रहित, मतलब सकाम कर्म को त्याग कर अहितु की भक्ति, ये एक तत्व उनसे लिया। और महत सेवया, मतलब भगवान के भक्तों की सेवा। सी देखो मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे स्थापना हो रही है शुद्ध भक्ति की और परम भक्ति की, जो किस तरह से स्थापना, पहले मायावादी का खंडन, फिर अर्च विग्रह का इंट्रोडक्शन, मतलब भगवान के इंट्रोडक्शन, मतलब साकार रूप का इंट्रोडक्शन, किसके माध्यम से, अर्च विग्रह की पूजा के माध्यम से, फिर बाद में आया क्या है, ज्ञान रहित भक्ति, ज्ञान कर्म रहित भक्ति, मतलब शुद्ध भक्ति की स्थापना हो रही है, और साथ ही साथ महत सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, ये दो चीजें रामानुजाचार्य से लिए। और विष्णु स्वामी से उन्होंने क्या ली, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, कृष्ण रक्षा करेंगे, वी कंप्लीट डिपेंड, पूर्ण रूप से शरणागति, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, तो भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाओ ये। और साथ ही साथ राग भक्ति, अभी प्रेम का इंट्रोडक्शन हुआ, पहले भक्ति कैसा था, ज्ञान कर्म रहित भक्ति रामानुजाचार्य से, लेकिन अभी विष्णु स्वामी से उन्होंने क्या लिया, राग भक्ति, प्रेम, भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, इसे राग भक्ति कहते हैं। तो राग भक्ति में चार चीजें आती है, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, राग भक्ति, जिसमें प्रेम, फिर वो कहते हैं मैं आपसे, मतलब निम्बार्क आचार्य से, निम्बार्क आचार्य को कह रहे हैं रुद्रदीप में कि इनसे मैं वो लूंगा, उनसे वो लूंगा, इनसे ये ले लूंगा और आपसे, इस तरह से, तो आपसे हे निम्बार्क आचार्य, आपसे मैं क्या लूंगा, राधा रानी का आश्रय, किस तरह से श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए जिसके कारण माधुर्य भक्ति प्राप्त हो। तो श्रीमती राधा रानी का आश्रय एक्सक्लूसिवली सेट, मतलब सेंटिमेंट्स, भाव भक्ति उनसे लिए, तो राधा रानी का आश्रय और साथ ही साथ गोपियों का जो भाव है भगवान के लिए, राधा रानी के माध्यम से भगवान की सेवा की जाए। देखा किस तरह से हाईएस्ट लेवल पे धीरे 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 पहुंच। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु मायावादी का खंडन हम देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर, दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं और फिर आगे ऊपर पहुंच जाते हैं, तो किस तरह से उन्होंने मायावादियों को भी भक्ति सिखाई, मायावादी का खंडन कर दिया धीरे धीरे। इस तरह से उनके लीलाओं से, उनके चरित्र से, श्री चैतन्य चरितामृत में हम यह देख सकते हैं कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सब सब स्थापित किए, इन सभी से ये लेकर जहां जहां ये जरूरत पड़ा वहां वहां पे उन्होंने स्थापित किया। और आखिरी में हमें चैतन्य महाप्रभु रामानंद आचार्य और स्वरूप दामोदर, रामानंद
राय और स्वरूप दामोदर इनसे फिर एक्सक्लूसिव सिखाते किस तरह से श्रीमती राधा रानी का शेल्टर लेना चाहिए, उनके आश्रय में रहकर कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और भाव कैसे होना चाहिए, गोपी भाव, ये उन्होंने सिखाया। तो निंबार्क आचार्य को कहते हैं कि इन चीजें लेकर फिर मैं प्रकट होऊंगा, प्रकट होकर मैं इनकी स्थापना करूंगा। इस तरह से निंबार्क आचार्य को प्रकट होने से पहले ये बता देते हैं कि मैं इस तरह से एक एक आचार्य को भेजूंगा और आपसे इन दो एक्सक्लूसिव मतलब सबसे उच्च कोटि के भाव जो है या भक्ति का जो स्तर है ये मैं ले लूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेकर ही भक्ति भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलता है क्योंकि भगवान के भक्तों के माध्यम से ही भगवान की भक्ति हम सीख पाते हैं। डायरेक्टली हम भक्ति नहीं कर सकते, हमारी इतनी योग्यता नहीं है और ना भी उसकी चेष्टा करनी चाहिए, हमें फिर हमारा पतन हो जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि गोपीर भर्तु तव पाद कमलयोर दास दासानुदासानुदास। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं भगवान के दास के दास के दास के इनफैक्ट गोपियों के दास के दास के दास के दास के दास मैं हूं। इस तरह से रहेंगे, इस मूड में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान का ये उच्च प्रेम जो है और ऑफ कोर्स राधा रानी के शेल्टर में भी रहेंगे हम। जब भाव हमारा ये रहता है तभी हम राधा रानी के शेल्टर में रह सकते हैं, उनके आश्रय में रह सकते हैं। नहीं तो राधा रानी शी विल यू नो सेपरेट अस, ओके यू डोंट यू हैव योर पर्सनल मूड्स सो प्लीज गेट आउट ऑफ इट। तो ये जब तक ये भाव है हम मैं दास के दास के दास के दास का दास हूं तो राधा रानी बहुत यू नो हमको करीब अपनाती है। यस ही इज अ ट्रू डिवोटी, ये सही भक्त है और ये भक्त आपकी सेवा करने लायक है, ऐसे भगवान को इंट्रोडक्शन मिलता है, भगवान को इंट्रोडक्शन कराती है इस तरह से। और जिसका पर्सनल मूड्स होते हैं ये होते हैं तो जस्ट प्लीज थोड़े समय के लिए आप रहो बाहर, थोड़ा फिर ठोकर खाओ, फिर तुम्हें समझ में आता है, फिर वापस तुम आ जाओ, ऐसी बात हो जाती है। हम देखते हैं कई भक्तों में और वो कुछ नहीं कर पाते। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, पहले चैतन्य महाप्रभु के इन तत्वों को समझो, क्या चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु और उसी हिसाब से हमें भक्ति करनी चाहिए तो हम अच्छी तरह से टिक कर रह सकते हैं भक्ति में। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यस एनी क्वेश्चंस, किसी को कोई प्रश्न है?